तमाम व्यूवर्स को फिर से खुश आमदीद कहते हैं क्रिकेट कैफे में। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट सुमैर मुफीस और मैं हूं मोहसिन सिंह शाह। आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के मैच के बारे में। अफगानिस्तान ने जो है टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और पहले दावत दी ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने की सुमैर, और पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 168 स्कोर किया 8 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर में। फिर उसके बाद जब अफगानिस्तान ने बैटिंग करी तो अफगानिस्तान 164 रन बना लिए, बहुत करीब जाकर ये मैच हारा, सिर्फ और सिर्फ 4 रन से ये हारा। 7 विकेटें अफगानिस्तान की गिर चुकी थी। बहुत ही अच्छी अफगानिस्तान ने बॉलिंग भी करी और बैटिंग भी करी, अफगानिस्तान को क्रेडिट देना पड़ेगा, लेकिन बहुत क्लोज आकर ये मैच हार गए। सिर्फ 4 रन शॉट इनसे मिस हो गए राजस्थान से, लेकिन विनिंग शॉट होने वाला था इनका अगर ये सेकंड लास्ट बॉल पे भी सिक्स मार देते, लेकिन बैड लक हुआ, 2 रन हुआ लेकिन चौका पकड़ लिया उन्होंने। अफगानिस्तान का आज बहुत बैड लगता है, एक भी मैच जो है जीत नहीं पाई अफगानिस्तान, 2 मैच बारिश के नजर हो गई, बहुत ज्यादा अपसेट हो गई है इस टूर्नामेंट के अंदर। अफगानिस्तान की टीम अच्छी टीम है, अफगानिस्तान बाहर भी निकल गई है, निकल तो पहले गई थी लेकिन अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छी है, यानी कि बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं और फील्डिंग भी, मैं कहना चाहूँगा कि फील्डिंग भी बहुत अच्छी होती है उनकी। और अगर अफगानिस्तान की फील्डिंग अगर ख़राब होती है तो वो इंडिया के अगेंस्ट ही होती है सिर्फ ख़राब, उसके अलावा जो है अफगानिस्तान की फील्डिंग अच्छी रहती है। अफगानिस्तान बहुत अच्छी फील्डिंग करती है, और बैड लक होता है अफगानिस्तान का कि अफगानिस्तान नहीं खेल पाती यार, अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, हर किसी पे बुरा वक्त होता है यार, पाकिस्तान पे भी जिम्बाब्वे के टाइम बुरा वक्त है, अब इसका मतलब ये थोड़ी पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के झोली में भर दी अपने हार अपनी दे दी, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन जो है ऑस्ट्रेलिया अपने होम ग्राउंड पे खेल नहीं पा रही है अच्छे तरीके से, और हर टीम उसको टफ टाइम दे रही है, न्यूजीलैंड से हार गई बड़े मार्जिन से। अगर देखा जाए पॉइंट टेबल के हिसाब से तो माइनस पे आ गई।